हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक है 2C का पार्ट 2। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं जहाँ पर द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19 respectively. Find the values of a and b. Hence find the remainder when px is divided by x minus 2. तो सीधी सी बात है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके दो डिवाइजर हैं, एक पहला ये और दूसरा ये। बोला कि जब दोनों से हम बारी बारी से डिवाइड करेंगे इसमें, तो हमारा जो एक में पहले वाले केस में रिमाइंडर 5 आएगा, दूसरे वाले केस में रिमाइंडर 19 आएगा। उसके बाद अब ये सब चीज इंफॉर्मेशन हो गया, निकालना क्या आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि रिमाइंडर निकालिए जब आप डिवाइजर आपका ये होगा और ये आपका जैसा डिविडेंड है वैसा ही रहेगा। तो चलिए कुछ नहीं करना है, हम लोग बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग डिवाइजर को ले लेते हैं, यानी कि जी एक्स एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन। अब यहां पर आपका पॉलिनोमियल, अब कह रहे हैं कि सर ये 5 कहां से आया, तो ये 5 पहले समझ लीजिए। ये 5 जो है बोला है ना, क्योंकि जब आप इसमें 1 पुट करेंगे सभी x के जहां पर 1 रखेंगे, तो आपका जो चीज भी आता है वो रिमाइंडर ही आता है। अगर यहां पर a और b का वैल्यू दिया होता और आप 1 पुट करते तो वो रिमाइंडर आता, वो रिमाइंडर क्या आता, तो 5 आता। इसीलिए हम इन सब को किसके इक्वल कर दिए हैं, 5 के इक्वल कर दिए हैं, क्योंकि इन सब का जब कैलकुलेशन फाइनल कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये 5 ही आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहां से पहले 1 पुट कर दीजिए, वन प्लस थ्री फोर, फोर माइनस टू बहुत ही आसान है, 4 माइनस यहां पर आ गया 2 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे देखिए, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए 5, और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो फाइनली ये आ गया। अब बी का ये रिमाइंडर, ये इक्वेशन 1 आया, अब बी का वैल्यू निकाले तो 3 प्लस ए हो जाएगा। अब हम लोग फिर दूसरा लेंगे बिल्कुल वैसा ही। अब हम लोग x प्लस 1 का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि gx हमारा क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा x प्लस 1। दैट मींस कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमको x के जगह पर क्या पुट करना है, माइनस 1 पुट करना है। तो फटाफट 1 रेज़ टू द पावर 4 3 और बिल्कुल ऐसा ही जैसा इसमें हम लोग रिमाइंडर 5 आया था, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 19 आएगा। मतलब ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे अगर ए और बी का वैल्यू दिया रहता तो ये 5 ही आता, तो 19 आता। तो यहां पर हम लोग फटाफट कर लेते हैं, इसका जो इवन नंबर, अगर एक्सपोनेंट अगर किसी भी बेस का, अगर वो बेस निगेटिव में है तो उसका जो इवन नंबर, अगर एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर में है तो वो जो है निगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा प्लस 1। और यहां पर क्योंकि ये ऑड है, 3 क्या है, ऑड है, तो ये माइनस ही रहेगा, और माइनस 1 में माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। यहां पर क्योंकि इवन है 2, तो ये प्लस 1 हो जाएगा और जैसा 3 है वैसा ही रह जाएगा। और यहां पर माइनस 1 में माइनस ए से करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा, प्लस बी इज इक्वल टू 19। यहाँ पर थोड़ा सा ये हो रहा है कि हम इक्वल टू के नीचे इक्वल टू नहीं लिखे हैं, कुछ रीजन है कि जगह के वजह से, तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली 6 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 19। तो ये अब जब हम लोग इसको करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा और ये 6 उस तरफ जाएगा तो 19 माइनस 6 हो जाएगा,
तो a प्लस बी इज इक्वल टू 13, ये दूसरा इक्वेशन बन गया जैसा कि आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ या पुटिंग द इक्वेशन वन इन टू इक्वेशन टू, तो आप इक्वेशन वन के वैल्यू को इक्वेशन टू में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन वन का वैल्यू क्या है, बी, बी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 प्लस ए इज इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 13, तो 2a इज इक्वल टू 10, 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और तो 10 बचेगा और ये कर देंगे तो a इज इक्वल टू 5 हो गया। अब b का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन टू इक्वेशन वन, वन में पुट करेंगे तो a देखिए 3 प्लस a है तो यानी कि 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, a और b का वैल्यू निकल गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, में एक और क्वेश्चन है जो यहां पर दिया हुआ, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x-2। अब ये gx जो है यानी कि ये डिवाइजर आपका x-2 हो गया, दैट मींस कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x का वैल्यू आ जाएगा 2। यहां पर अगर x-2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2, पुट करते हैं फटाफट 2 a क्या निकला है, तो a निकला आपका 5 इंटू 2, बी क्या निकला 8, ये हो जा 4, 4 जा 8, 8 जा 16, ये 16, ये भी 16, ये 12 हो जाएगा, ये 10 प्लस 8, ये 16 और ये 16 कट गया, अब इधर बच गया 12 माइनस 10 प्लस 8, 12 और 8 कितना होगा 20, यानी कि माइनस 10, आपका फाइनली आंसर क्या निकल गया 10, यानी कि दूसरा वाला भी 10। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हम आगे बढ़ते 15 नंबर। और इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 4x-3 एंड जी एक्स इज इक्वल टू x-2, सो दैट पी एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स, यानी कि ये इसका जो मल्टीपल नहीं है, मान लीजिए कि ये 2 है, ये 2 है, ये वाला बोला इसका मल्टीपल नहीं है क्या, ये मान लीजिए कि इसको हम पूरा को 16 ले लेते हैं, तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 जब 4 8 16 आ रहा है, तो ये तो मल्टीपल है, अगर यहां पर 17 होता तो ये मल्टीपल नहीं होता, यानी कि इसमें टेबल पढ़ना है। अब आपको फैक्ट सुनिए, तो इफ px यानी कि पूछ रहा है कि ये वाला जो है इसको डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, यानी कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर का मतलब जैसे कि 8 का फैक्टर 3 है या नहीं है, यानी कि ये 3 जो है 8 को डिवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर डिवाइड कर दिया तो फैक्टर है ये 3, अगर डिवाइड नहीं किया तो फैक्टर नहीं है। अब उसी को बोलेंगे कि 3 का मल्टीपल ये है या नहीं है, यानी कि 3 के मल्टीप्लाई में ये 8 आता है कि नहीं है, बस सेम चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस। चलिए तो हम फटाफट क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है जी एक्स, पहले वाला 15 नंबर को हम बनाते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू हो गया x-2, तो x-2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब फटाफट 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3 8 20 8 16 यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 7, तो क्योंकि रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर जब बच जाता है तो ये मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल हो या फैक्टर हो यहां पर 0 आना चाहिए। अगर p2 इज नॉट इक्वल टू 0 आप इसमें कह सकते हैं, यानी कि जब 2 वैल्यू पुट किए हैं तो ये 0 नहीं आया है। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, 60 नंबर की तरफ फटाफट कर लेते हैं। जी एक्स आपका इसमें क्या होगा 2x+1, दैट मीन्स कि 0, तो 2x को इसी तरह रहने दीजिए, -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2। अब फटाफट इसमें तो क्या करेंगे हम लोग, जैसा करते हैं वैसे ही कर देंगे, यहां पर एक करेक्ट कर लीजिएगा, ये x के जगह पर आप 2 पुट करके निकाले हैं, यहां पर भी x के जगह पर क्या पुट के -1/2। चलिए 11 था, 11 -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5। चलिए ये क्योंकि पावर इसका क्या ऑड है तो ये माइनस में ही रहेगा, तो अब देखिए ये 8 हो जाएगा, तो इसको 2 इंटू -1/8। ओके यहां पर
ये इसका पावर जो है इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 11 इंटू 1 बाई 2, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 बाई 2 प्लस 5। इसको इसको 2 से उड़ा दिए, इसको 4 से, तो माइनस 1 बाई 4 माइनस 11 बाई 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 2 प्लस 5। चलिए हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, इन दोनों का आप कैलकुलेशन कीजिए, 4 माइनस 1 माइनस 22 प्लस 2 5 माइनस 23 4 प्लस 2 प्लस 5 4 माइनस 23 8 प्लस 20, यानी कि आपका माइनस 23 और प्लस 28 बाई 4 आ गया, यहां पर फाइनली आ जाएगा 5 बाई 4। यहां पे भी जीरो नहीं आया, तो जीरो नहीं आया, अब यहां पे भी डायरेक्ट हम थोड़ा तोड़ तोड़ के किए हैं, इन दोनों को पहले किए फ्रैक्शन का एडिशन और फिर इधर किए, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहां पर ऐसे सबका एलसीएम 4 हो जाएगा माइनस 1, यहां पर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से, इधर 1 है इधर 1 है, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि तो जब एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 22, यहां पर हो जाएगा 8, यहां पर हो जाएगा 20, तो इन दोनों को करेंगे तो माइनस 23 और इधर 28, तो 28 माइनस 23 इज इक्वल टू 5 बाई 4, तो ये आपका, तो ये भी जो है मल्टीपल नहीं है क्योंकि ये क्या आया है, तो पी 1 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका वैल्यू जो 0 नहीं आया है, तो ये नहीं होगा मल्टीपल या फैक्टर कुछ भी नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये आज ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, तो अब हम अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।